हेलो हाय, आई एम दिनेश, श्रेजल्स फादर। और व्हाट आई इंटेंड टू स्टार्ट इज रीडिंग न्यूज़पेपर। और खैर, न्यूज़पेपर्स तो आपको काफ़ी मिल जाएंगे यूट्यूब में, बट द थिंग इज दैट व्हाट आई इंटेंड टू गो अहेड इज फॉर द चिल्ड्रंस द न्यूज़ आर्टिकल्स विच आर रिलेवेंट ऑन द डेली बेसिस। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू प्रेजेंट। सो ये सेशन मोस्टली बच्चों के लिए होगा। द न्यूज़ पेपर दैट वी आई एम गोइंग टू टेक इज़ द हिंदू, मेरा फेवरेट न्यूज़ पेपर। रीज़न बींग, उसमें डिटेल एनालिसिस होती है। न्यूज़ तो इन्हें रहते ही रहते हैं, बट वेन न्यूज़ आर देयर इन कंजिकेटिव सेशंस, कुछ खास न्यूज़ होते हैं जो डेली 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 आते रहते हैं, तो उनकी डिटेल एनालिसिस भी होती हैं। द एडिटोरियल्स आर रियली गुड इनफ। तो द न्यूज़ पेपर हैव पिक्ड इज़ हिंदू। ऑन द डेली बेसिस आई विल बी गोइंग थ्रू द न्यूज़ पेपर, और उसके बाद उसमें से जो रेलेवेंट सेक्शन जो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए है, दैट आई विल बी पिकिंग अप एंड एक्सप्लेनिंग इट। और उसके अलावा और भी सेक्शंस हैं, आर्टिकल्स हैं, दैट वुड बी देयर। एंड आई वुड जस्ट रिकमेंड किड्स एंड द चिल्ड्रन टू गो थ्रू दिस न्यूज़पेपर। आप खुद से भी जा सकते हैं एंड देन ट्राई टू हैव द फ्लेवर ऑफ दिस, वी गेट यूज टू रीडिंग दिस वन। Hi, so let's begin with the today's edition, Delhi edition of the Hindu newspaper, 3 Tarikh, Friday. और अब हम करते हैं कवर पेज की तरफ। कवर पेज में हमारा जो आज का आर्टिकल जो मुझे लगा बच्चों के लिए में भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, एंड दैट इज द ओमिक्रॉन वेरिएंट की इंडिया में दस्तक। दो केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं कल तक, एक डॉक्टर, इंडियन डॉक्टर फ्रॉम बेंगलुरु एंड अनदर द साउथ अफ्रीकन नेशनल। इन दोनों को COVID-19 पॉजिटिव पाया गया, एंड दीज वर केसेस दैट हैज बीन आइडेंटिफाइड एज बिकॉज ऑफ दिस ओमिक्रॉन वेरिएंट। तो ये है, दोनों जो केसेस हैं वो अभी कर्नाटका से रिपोर्ट हुए हैं। थोड़ी सी सरप्राइजिंग ये है कि इंडियन पेशेंट जो है, ही हैड नो ट्रेवल हिस्ट्री, ही इज एनेस्थेटिक फ्रॉम द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन बेंगलुरु। तो ये थोड़ा सा शॉकिंग है कि उनकी कोई ट्रबल हिस्ट्री नहीं है और फिर भी उनके अंदर अगर ये वेरिएंट पाया जाता है तो फिर कहां से आया। दूसरा है इंसिडेंट फ्रॉम द 66 ईयर ओल्ड साउथ अफ्रीकन नेशनल, और उनके बारे में तो ये है कि ही केम टू इंडिया ऑन नवंबर 20th। ही वाज टेस्टेड, ही वाज क्वारंटाइन इन अ होटल आफ्टर बीइंग टेस्टेड, एंड देन On 27th he flew to Dubai after being testing negative. अब वहां पे जाके पता चलता है कि उनको भी COVID-19 positive diagnose किया गया है, and that also of this variant Omicron. So that is the cover story for today. Moving further, school closed. Supreme Court sets 24-hour deadline for the serious action. यहाँ पर है, but this is not because of the coronavirus or the COVID or the Omicron, but this is because of the air pollution that has been deteriorating day and again in New Delhi. तो यहाँ पे Supreme Court का एक directive आया है, where it has posed a 24-hour deadline to take serious action to beat the smog enveloping on the Delhi. अभी थोड़ी सी बारिश भी इधर शुरू हुई है, so maybe अब उसे सिचुएशन सुधर सकता, but this is what has happened. 24-hour deadline has been set to the government because यहाँ पे जो हमारा AQI के according जो pollution level है, that has gone into a severe category once again. So after just an hour after this directive, our government announced that all the school and colleges and the other educational institution of the Delhi will be closed till further orders. So this is there. Just for the sake of current affairs, two questions. Who is the present Chief Justice of India? Mr. N.V. Ramana. Or एक यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे it's going to be Delhi. Who is the present Chief Minister of Delhi? Mr. Arvind Kejriwal. अब उसके अलावा हमारे पास दो और आर्टिकल है। कांग्रेस हिट्स आउट एट ममताज मूव। अब यहाँ पे कल के एडिशन, कल की न्यूज में आया था कि ममता बनर्जी, the chief minister of West Bengal, has visited to Maharashtra seeking some of the coalition or some of the for the next election that's going to be. So वहाँ पे हमने देखा था T20 news के बारे में भी। T20 is being played by Trinamool Congress, test by the Aam Aadmi Party. So यहाँ पर है, Congress has hit back on it
एक स्टेटमेंट निकल करके आया था ममता बनर्जी की तरफ से कि यूपीए वाज अ टफ अपोजिशन एंड द रूलिंग पार्टीज प्रायर टू 2014 इलेक्शन इज नो लॉन्गर एग्जिस्टेंट. तो यहाँ पे ममता बनर्जी ने कहा था कि यूपीए का भी एग्जिस्टेंस नहीं है. So this is regarding to that Congress is hitting back or in an all-out attack to the Trinamool Congress. यहाँ पे ये news cover है. A day after West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee said that there is no UPA comment on Mumbai Congress on Thursday pointed out that Ms. Banerjee was once described as the BJP national ally. तो ये बहुत पहले की बात है जब TMC was very much close to BJP. और वहां पे इट डिस्क्राइब्ड बीजेपी एज अ नेशनल अलाय. तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिटिक्स, सो आई एम नॉट कवर इन डिटेल. आगे बढ़ते हैं. वन बिफोर ओपनिंग डैम केरला टेल्स तमिलनाडु. हाँ, ये एक न्यूज था. यहाँ पे हुआ क्या था कि दिस इज अबाउट द मुल्लापेरियार डैम एंड व्हाट हैज हैपेंड इज दैट तमिलनाडु विदाउट इशूइंग लार्ज स्केल मैसिव नोटिफिकेशन फॉर द रिलीजिंग द वॉटर इट डिड रिलीज द वॉटर फ्रॉम द डैम और वो भी रात के समय में. इस डैम की इंपॉर्टेंस थोड़ी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि डैम है आपको केरला में मुल्लापेरियार डैम और ऑपरेट करता है उसको तमिलनाडु एंड इसके पीछे दैट्स व्हाई इट सेड कि केरला इज रिवर्टिंग बैक टू तमिलनाडु कि आप करो आप प्रॉपरली इंटीमेशन दो और दिन के समय में करो रात में ये चीज करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे जो कुछ रेसिडेंशियल एरियाज है वलाकडू में वंदी पेरियार और ये सब इडुकी के डिस्ट्रिक्ट के आसपास वहां पे अफेक्ट हो रहा है फ्लडिंग आ जा रही है. ये स्पेशल मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि ये अब सुप्रीम कोर्ट के पास भी गया है बिकॉज ऑफ द ऑपरेशनल इश्यू दैट इज एसोसिएटेड विद द केरला एंड द तमिलनाडु और ये न्यूज में अभी काफी दिनों से बना हुआ है और होपफुली आगे भी बना रहेगा. आगे चलते हैं सिटी सेक्शन की तरफ. सिटी सेक्शन में हियर द वन न्यूज व्हिच आई कंसीडर इज गोइंग टू बी गुड फॉर द चिल्ड्रन इज रिगार्डिंग द मैन पावर ट्रेनिंग की टू द सक्सेस फॉर द साइबर स्टेशंस. खास इसमें यही है कि दिस इज गोइंग टू बी सम सॉर्ट ऑफ द पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव दैट इज बीइंग टेकन केयर इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट द साइबर क्राइम्स. तो अभी तक क्या हो रहा था कि सेम पुलिस स्टेशन में साइबर क्राइम की भी लॉजिंग वगैरह होती थी, कंप्लेंट फाइल होते थे, उसको इनैक्ट करने में थोड़ा सा डिले हो जाता है, टाइम हो जाता था. तो एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया है एंड डेडिकेटेड साइबर क्राइम पुलिस स्टेशंस ओपन्ड इन मोस्ट ऑफ द 15 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कैपिटल. अभी तक क्या था कि विक्टिम्स ऑफ द साइबर क्राइम वुड कम टू द पुलिस स्टेशन टू लॉज देयर कंप्लेंट्स बट वर नॉट टेकन सीरियसली एज देयर वर मोर सीरियस केसेस टू वर्क ऑन. तो वही चीज है कि रिसोर्स एलोकेशन का कंसर्न हो जाता था लेकिन अभी भी चैलेंजेस हैं इसको लेकर के और चैलेंजेस ये है कि रिसोर्सेज आर लैकिंग, ट्रेन पर्सनल भी नहीं है अभी उतने एंड दे ऑफिशियल्स हु डोंट इवन नो हाउ टू यूज अ कंप्यूटर. तो ये भी सिनेरियोज है फॉर नाउ. दोज़ हु हैव द डोमेन नॉलेज एंड आईटी बैकग्राउंड उनको भी डिप्लॉय किया गया है. सो थिंग्स आर गोइंग टू इम्प्रोवाइज. सो डाउन द लाइन वी आर गोइंग टू सी सम चेंजिंग फेसेस ऑफ द पुलिस स्टेशन. उसके अलावा और भी आर्टिकल्स थे लाइक 6 मोर इंटरनेशनल फ्लायर्स टेस्टेड पॉजिटिव एंड मिस्ट ऑफ द कोविड 19 एंड द ओमिक्रॉन स्केयर दैट हैज कम थ्रू. उसके बाद हमारा है एसडीएमसी वर्कर इंटेंसिफाइड ड्राइव टू कंट्रोल द डेंगू. सिटी सीज सीजन लोएस्ट डे टाइम टेम्परेचर. तो यहाँ पे अब है कि एज सर्दियां बढ़ती चली जाएंगी, ठंडा का मौसम शुरू हो गया है तो अब रिकॉर्ड और ठंडी का टेम्परेचर ड्रॉप की बातें होंगी. सो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द कंटिन्यूड सेक्शन दैट वुड बी देयर इन द न्यूज़पेपर फॉर अनदर कपल ऑफ मंथ्स टू सम एक्सटेंट. तो अभी तो फिलहाल जो दिल्ली का कैपिटल का टेम्परेचर है दैट हैज फॉलन टू 19.8 डिग्री सेंटीग्रेड और विच वॉज 5 डिग्री बिलो द नॉर्मल एंड द लोएस्ट रिकॉर्डेड ऑफ द सीजन. अभी फोरकास्ट भी है कि पार्टली क्लाउड रहेगा स्काई विद शैलो फॉग इन द मॉर्निंग. तो ये भी है फोरकास्ट और पॉल्यूशन को दैट विल बी अ बिट मोर हैम्परिंग टुवर्ड्स द सीक्यूआर इंडेक्स. तो इसका कोरिलेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं सुप्रीम कोर्ट की अभी जो डायरेक्टिव आई थी उसके थ्रू एंड द मैक्सिमम द मिनिमम टेम्परेचर लाइकली टू बी होवर बिटवीन 22 से 12 डिग्री के बीच में. सो ये अब धीरे धीरे कहानी शुरू हो गई है. सो दिस इज देयर इन टू द सिटी सेक्शन ऑफ द न्यूज पेपर. आगे बढ़ते हैं फर्दर इनटू द नेक्स्ट पेज. स्कूल्स शट डाउन द एयर क्वालिटी टर्न सीवियर. उसी को आगे इनहैंस और एक्सप्लोर किया गया है इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ दिस पेज. द
डेडिकेटेड सॉरी ये पुराना वाला है वो सपोज टू डिलीट इट कुड नॉट डू इट अपॉलॉजी. अब इसको आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट. फोरियर ग्रैब येट टू इवॉल्व दैट इज बीन कंसिडर्ड इन दिस आर्टिकल. यहां पर ग्रैब होता क्या है, दैट इज द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन. ये भी पोल्यूशन से ही रिलेटेड है. और इसमें हुआ क्या था कि डिस्पाइट द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टिव नियरली 5 years अगो टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड कैलिब्रेट द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बनाया गया था, जिससे हम पता चल सके कि व्हाट इज अ सेट ऑफ मेजर्स टू बी टेकन टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन डिपेंडिंग ऑन द करंट लेवल ऑफ पोल्यूशन. तो एक तरीके का फोरकास्टिंग सिनेरियो के बारे में बोला गया था. तो अभी तक वो नहीं आया है, इज येट टू इवॉल्व एंड दैट इज व्हाट इज बीन टॉक्ड अबाउट इनटू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. फिर एक छोटा सा आर्टिकल अगेन है, जुवेनाइल अमाउंट टू हेल्ड फॉर बेट टू किल डॉक्टर. यहाँ पे एक ओल्ड मैन एंड 20 एक जुवेनाइल 22 साल का आदमी और एक जुवेनाइल वॉज इन फैक्ट ही बार्ज इनटू द क्लिनिक इन अ साउथ वेस्ट दिल्ली'स कालकाजी इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट टू किल अ डॉक्टर. कारण था कुछ पर्सनल एनिमोसिटी थी तो उसको लेकर के ऐसा इंसिडेंट हुआ था एंड दैट इज कवर्ड इनटू दिस पर्टिकुलर स्मॉल सेक्शन ऑफ द न्यूज. आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द न्यूज पेपर विच कवर द स्टेट न्यूज. ओडिशा डिस्ट्रिक्ट ऑन साइक्लोन अलर्ट कवर्ड ओवर हियर एंड ओडिशा भैया मैप में देख सकते हैं इज ऑन टू द कोस्टल इज ऑन टू द कोस्ट और यहाँ पे साइक्लोन्स मोस्टली आते रहते हैं जब भी हमारा वेदर का डिस्टर्बेंसेस सेट होते हैं तो उसको लेकर के. तो अभी रिसेंटली एक अलर्ट जारी किया गया है ऑन थर्सडे टू पुट 14 डिस्ट्रिक्ट्स ऑन हाई अलर्ट इन द वेक ऑफ अ साइक्लोनिक स्टॉर्म विच इज लाइकली टू फॉर्म over Bay of Bengal and hit southern Orissa and the northern Andhra Pradesh district, this portion. All of these 14 out of the 30 districts are close to the coast and are generally affected by cyclones originated from the Bay of Bengal. So, this is coverage. Uske baad hamara ek article that Mamata visits was not to rob Maharashtra of the industry. तो ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र विजिट किया था और महाराष्ट्र की जो इंडस्ट्रियल अभी सेटअप है वहां पे इंडस्ट्रीज आ रही हैं, कोलैबोरेशन हो रहे हैं, सेटअप हो रहे हैं, वो बंगाल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. वेल दैट वाज नॉट द केस, दैट विल बी पुट ओवर देयर इन दिस आर्टिकल. क्लाइमेट रेट फॉल्स इन यूपी एमिड बीजेपी रूल्स. दिस क्राइम रेट उसके बारे में ये बताया गया इस आर्टिकल में. क्राइम रेट में थोड़ा सा कमी आया है जब से बीजेपी पार्टी में आई है. फर्दर केजरीवाल हिट्स आउट एट चेन्नई रिमार्क ऑन हिज कॉम्प्लेक्शन एंड कांग्रेस विल फाइट पोल्स ऑन डेवलपमेंट एजेंडा बाय प्रियंका. नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड टू द एडिटोरियल सेक्शन. वहां पे एक अच्छा न्यूज एक आर्टिकल निकल करके आया है आज एंड दैट इज अ वाइट टच टू अ रिफ्रेश्ड ग्रीन रेवोल्यूशन. Here in Green Revolution is अभी जो recently कुछ हुआ था उसके ऊपर based है और एक white touch दो dates को sync करके edit बनाया गया है. November 26th recently last week 100th birth anniversary of Genghis Khurian was the leader of India's white revolution which increased the income and wealth of millions of cattle owing small farmers in India, many of them वुमन. तो ये दुग्ध क्रांति की बात हो रही है, व्हाइट रेवोल्यूशन. और दूसरा कंपैरेटिवली इज रिगार्डिंग द ग्रीन वर्ल्ड. नवंबर 26 आल्सो मार्क्स 1 year फ्रॉम द डे व्हेन थाउजेंड्स ऑफ द क्रॉप ग्रोइंग फार्मर्स हु हैव बीन द बेनिफिशियरीज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशंस विच इंक्रीज द इनकम बिगन द नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट टू फोर्स द इंडियन गवर्नमेंट टू विथड्रॉ द नेट लॉज इट मेड टू अंडर द पॉलिसी ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशंस. तो ये है, दोनों कॉन्ट्रास्टिंग है और उस कॉन्ट्रास्ट को यहाँ पे डिटेल आउट किया गया है. द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टू रेवोल्यूशन प्रोवाइड्स द वैल्युएबल इनसाइट्स. देयर पर्पस डिफरेंट है. द पर्पस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज टू इंक्रीज द आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर टू प्रिवेंट द शॉर्टेज ऑफ फूड और व्हाइट रेवोल्यूशन का पर्पस था टू इंक्रीज द इनकम्स ऑफ द स्मॉल फार्मर्स गुजरात के अंदर
एंड नॉट द आउटपुट ऑफ द मिल्क. तो यहाँ इनकम ओरिएंटेड था, वहां पे हमारा जो है दैट वाज आउटपुट ओरिएंटेशन. दूसरा डिफरेंस है द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज लार्जली अ टेक्नोक्रेटिक एंटरप्राइज ड्रिवन बाय साइंस एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ एफिशिएंसी. The white revolution is a socio-economic enterprise driven by political leaders and the principles of equality. जैसा कि हमने यहाँ पे बात किया कि it was talking about increase the income of the small farmers. So socio-economic enterprise driven out of the political leaders on the principle of equality. तो इस edit में काफी अच्छे से इसको capture किया गया है. More you can go through. अगर आपके पास द हिंदू न्यूज़पेपर है तो इसको डिटेल में आप देख सकते हैं समय निकाल करके. दिस विल गिव अ नाइस कंपैरिजन एंड द वे द बोथ गट इवॉल्व्ड. अगला आर्टिकल एडिट का, ब्रीदिंग फ्रेश एयर इनटू द एनसीआर पोल्यूशन कंट्रोल व्हिच इज ओवर हियर. उसके बाद लिमिटिंग गेन्स एंड बर्थ्स एंड राइट्स आर द अदर टू आर्टिकल्स ऑफ दिस एडिट. मूविंग फॉरवर्ड अगले सेक्शन एडिट पेज में, शुड द स्टेट स्टॉप फोकसिंग ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल. ये अभी के एडिट में आया है और दिस हैज हैपेंड बिकॉज अभी एक रिसेंटली सर्वे आया था, लास्ट वीक के न्यूज़पेपर में कवर किया गया था इस सर्वे को, जहां पे बताया गया था कि द फर्टिलिटी रेट हैज गॉन डाउन टू टू डिक्रीज टू टू. तो इसके बेसिस पे अभी ये डिबेट आया है एंड द डिबेट ओवर हियर इज in this case is Ms. Poonam Murtaza and S. Indrudya Ranjan discuss कर रहे हैं इस चीज को लेकर के इस पूरे सेक्शन में. According to the recently released National Family Health Survey, India total fertility rate, which is number of the children a woman would have in the course of her life, has dropped too. पहले ये 2.2 था एनएचए लास्ट सर्वे में, अब भी ये फिफ्थ सर्वे में ये 2 हो गया है. ठीक है, अब सवाल ये आता है, इज दिस कॉज फॉर चीयर एंड शुड वुमेन बी क्रेडिटेड विद स्टेबलाइजिंग द पॉपुलेशन. ठीक है, हमें पता है कि पॉपुलेशन हमारी एक बहुत बड़ी समस्या थी, तो इज द क्रेडिट एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन शुड बी गिवन टू द वुमेन इन ऑर्डर टू स्टेबिलाईज इट. क्योंकि 2 एक अच्छा फिगर है, ये 1980s 1970s में इवन वॉज ग्रेटर देन 4. तो इसको हमने कुछ दशकों में घटा करके 2 के पास ले दिया है. So, ये एडिट काफी अच्छे तरीके से व्यूज एंड डिबेट को कैप्चर करता है where the things are discussed in detail. उसके बाद अगला आर्टिकल है बैक टू द कामराज प्लान ओवर हियर. और ये कामराज प्लान क्या है, इसमें वह कहता था कि द आंध्र प्रदेश में could see it as an opportunity as well as challenges for the YSR Congress Party. जो कामराज प्लान को लेकर के है, 1963 में हुआ था. The Chief Minister of Madras State K. Kamaraj suggested to Prime Minister Mr. Pandit Jawaharlal Nehru that all senior Congress ministers should resign and take up party work to re-valorize the Congress. तो उस समय ये इनिशिएटिव लिया गया था कि उनको रिजाइन कर करके पार्टी वर्क को लेना है, एंड दिस वाज इमीडिएटली एक्सेप्टेड बाय एंड इंप्लीमेंटेड बाय पंडित नेहरू. इसी के बारे में एक कंपैरेटिव स्टडी किया गया है एंड दैट इज व्हाट्स रियली इज मे हैपन. एंड बैक टू द कामराज प्लान, तो यहाँ पे दो इमिनेंट कामराज प्लान इन आंध्र प्रदेश स्टेट के बारे में बात है. कुड सीवी एज एन अपॉर्चुनिटी एज वेल एज चैलेंज फॉर द वाईएसआर कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज 50 years ago, December 3rd को क्या हुआ था, वो सबमिट टू द वेस्टर्न प्रेशर. दिस आर्टिकल इज जस्ट व्हाट हैज हैपेंड आज से 50 साल पहले आज ही के दिन. और उसकी एक खास न्यूज द हिंदू में हमेशा सेक्शन में आती है, 50 साल और 100 साल पहले आज के दिन क्या हुआ था. और ये बहुत अच्छा परसेप्शन देता है हाउ मच वी हैव एडवांस, वो एकाएक आपको कॉन्ट्रास्टिंग समझ में आ जाएगा. So, what is covered in this article, though I am not covering it in detail, is December 2, the Prime Minister Mrs. Indira Gandhi declared here today that it did not worry India as to who it calls an aggressor when it has not committed any aggressions. और इसके बारे में Mrs. Gandhi ने एक address किया था Congress workers को दिल्ली में, वो यहाँ पे cover है.
100 years पहले इमिग्रेशन टू द मलाय स्टेट्स इज डिस्कस्ड इनटू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल एडिटोरियल अगर आपके पास इन द हिंदू न्यूज़पेपर है तो इसको आप डिटेल में जा सकते हैं. दीज आर द टू थिंग्स दैट हैज बीन नाइसली कवर 50 और 100 साल पहले की एक पर्टिकुलर इंसिडेंट. मूविंग टुवर्ड्स द न्यूज़ सेक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर पालिका रिबेलियन टू बी इन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक. हमने देखा है कि अभी टेक्स्ट बुक में देयर इज अ पार्लियामेंट्री कमेटी और उनके काफी इनपुट्स आ रहे हैं. तो क्या एक नया फिर डिस्कशन हो रहा है एंड दैट इज कमिंग द 1817 पाइका रिबेलियन ऑफ ओडिशा कुड नॉट बी कॉल्ड एज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लेकिन फिर भी इसको कंसिडर किया जा रहा है एज अ बिगिनिंग ऑफ अ पॉपुलर अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड हेंस इट विल बी इंक्लूडेड एज अ केस स्टडी इन क्लास 8 नेशनल एनसीईआरटी बुक्स में. तो ये यूनियन कल्चर मिनिस्टर का कहना है और हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट से इट कैन बी सेड दैट द पलका विद्रोह व्हिच वाज सेट ऑफ इन मार्च 1857 के 40 साल पहले and continued until May 25, almost 8 years ka inka movement tha, had set an example for the classes as well as the masses in India to follow later on. So, ye just was an incident that was intended and that in fact set some examples because it was a long time movement. So, accordingly, isko consider kiya jaye chahiye, ye hamara books mein. So, this is what has been stated into this article. फिर अदर न्यूज है जो इसके पेज में कवर्ड है डॉक्टर एंड द साउथ अफ्रीकन मैन फर्स्ट केसेस जो कि हमने ऑलरेडी कवर में कवर किया चुका है कवर स्टोरी में कवर किया होगा उसको इन डिटेल में यहाँ पे डाला हुआ है. दस योगी फिट टैग फिट आदित्यनाथ दिस इज अगेन पॉलिटिकल जहां पे व्हाइट पार्टी दूसरी पार्टी के बारे में बातें कर रही है. दिल्ली पॉल्यूशन सुप्रीम कोर्ट गिव्स गवर्नमेंट 24 आवर्स टू टेक सीरियस एक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कवर में उसको यहाँ पे इलैबोरेट किया गया है इस सेक्शन में. जीनोम कंसोर्टियम एडवाइसेस द बूस्टेड शॉट्स परमवीर सस्पेंडेड फ्रॉम सर्विस दिस आर्टिकल ओवर हियर एंड थोड़ा सा एक बैकग्राउंड में देना चाहूंगा. मिस्टर परमवीर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑन थर्सडे सस्पेंडेड फॉर्मर मुंबई पुलिस कमिश्नर और 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर परमवीर सिंह हु इज फेसिंग सीवियर केसेस ऑफ एक्सटॉर्शन चीटिंग फोर्जरी एंड अ केस अंडर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब तो उनको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है. फिर और उनके अकॉर्डिंग परमवीर के अकॉर्डिंग ही इज द विसल ब्लोअर दैट हैज हैपेंड इन महाराष्ट्र रिसेंटली जहाँ पे चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट काफी एलिगेशन आए थे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट काफी एलिगेशन डाले गए थे. पुअर प्रोलॉन्ग्ड प्लान्स ऑन द श्रीलंकन क्राइसिस ये प्लान्स क्या है. इंडिया एंड श्रीलंका अग्रीड फॉर अ फोर प्रोंग अप्रोच टू डिस्कस इनिशिएटिव ऑन फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी टू हेल्प मिटिगेट श्रीलंकाज इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यूरिंग द टू डे विजिट ऑफ श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर उसको यहाँ पे कवर किया गया है. ये फोर पिलर इनिशिएटिव्स हैं लाइंस ऑफ क्रेडिट फॉर फूड मेडिसिन फ्यूल परचेज ग्रांटेड बाय इंडिया. देयर आर सम अदर न्यूज़ इनटू दिस न्यूज़ सेक्शन अब आगे चलते हैं. जून 2023 डेडलाइन फॉर द स्मार्ट सिटीज वेल इसको हमने इंक्लूड किया हुआ है यहाँ पर क्योंकि दिस इज अ कॉन्सेप्ट दैट ओरिजिनेटेड इन 2015 और उसके बारे में अभी एक डेडलाइन दिया गया है एंड वी आर सीइंग कल के न्यूज़पेपर में भी कवर किया गया था रिगार्डिंग गुजरात सिटी दैट इज वन ऑफ द ओन काइंड ऑफ द ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट. तो यहाँ पर द डेडलाइन फॉर कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन was extended for all 100 participating cities in June 2023. So, अभी थोड़ा extend कर दिया गया है. Earlier, this was to be completed in June 21. The cities were given 5 years to complete the project under the mission, with the first set of smart cities expected to be completed in June 21. तो इसको लेकर के deadline अभी बढ़ाया गया है.
और न्यूज़ इधर है हमारे इस सेक्शन में, दो नॉट कवर इन डिटेल. एक है नो साइन ऑफ ट्रूथ, गवर्नमेंट फॉर्म ऑन अपॉलॉजी ऑफ द 12 सस्पेंडेड एमपीज. ये अभी करेंटली बिकॉज़ द विंटर सेशन हैज जस्ट स्टार्टेड ऑफ द पार्लियामेंट, तो यहाँ पे रूलिंग पार्टी का कहना है कि दे शुड अपोलोजाइज. और जो सस्पेंडेड हैव बीन, दे हैव बीन सस्पेंडेड सिंस ऑगस्ट, उनका कहना है कि वी आर नॉट गोइंग टू अपोलोजाइज बिकॉज दे नो एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर एक्शन दैट वी हैव टेकन दैट वी शुड हैव बीन सस्पेंडेड. तो उसके बीच में अभी कोई ट्रूस नहीं बन पाया है. ग्रैंड प्लान फॉर द ग्रैंड ओल्ड पार्टी एंड्स इन अ बिटर टसल, और यहाँ जो फोटोग्राफ डाला हुआ है दैट इज ऑफ मिस्टर प्रशांत किशोर, जिनको कांग्रेस पार्टी में इंडक्ट करने की बात हो रही थी, बट अभी थोड़ा सा इश्यूज क्रिएट हो गया है. एंड नाउ इट सीज दैट द कांग्रेस मिस्टर प्रशांत किशोर ही इज नॉट फिटिंग इनटू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द कांग्रेस बिकॉज हिज डिमांड्स वर फाउंड टू बी अनरिवोकेबल अनवर्कएबल एंड आइडियाज वर अबैंडन्ड. तो अब वो शायद मेटेरियलाइज नहीं होगा. बिहार टू होल्ड का होल्ड कास्ट सेंसस, आर्मी टू हैव न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म जो कॉम्बैट यूनिफॉर्म है आर्मी का, वो अभी थोड़ा सा चेंज होगा. इट्स गोइंग टू बी शोकेस्ड इनटू द आर्मी डे परेड ऑन जनवरी 15, जो नया होगा. और जो नया कैमोफ्लॉज ऑफ द डिजिटल पैटर्न विल बी थोड़ा लाइट होगा, मोर क्लाइमेटिक फ्रेंडली एंड सुटेबल फॉर द वेरी ट्रेन्स द आर्मी ऑपरेट्स इन. तो इसके बारे में एक आर्टिकल. एंड देन इंडियन लैशेस आउट एट यूएन राइट एजेंसी टू कमेंट ऑन द जेएनके कवर्ड ओवर हियर. और एक नया वैक्सीन जायको डी 7 स्टेट्स में लॉन्च करने की बात है, और इनकी 3 डोजेज होगी. जैसे हमें पता है कोवैक्सीन की 2 डोजेज है, कोविशील्ड के 2 डोजेज है, इनकी 3 डोज वाली ये वैक्सीन है. सो दैट इज बीइंग कवर्ड ओवर हियर. अगले में वी हैव सीन अबाउट द आर्मी टू हैव द न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म. और एक आर्टिकल आया फेशियल रिकॉग्निशन एट एयरपोर्ट्स फ्रॉम 2022. तो बोर्डिंग पास ले जाने की जरूरत नहीं होगी आपके फेशियल रिकॉग्निशन से. यू विल बी एबल टू टैली, द एयरपोर्ट अथॉरिटी विल बी एबल टू टैली द डेटा और आपको एंटर करने को दिया जाएगा. हाउएवर दिस स्कीम वाज सपोज टू कम अ लॉन्ग अगो, वाज शेड्यूल्ड फॉर अप्रैल 2019, लेकिन अभी उसको 3 साल का डिले हुआ है और अब नया है मार्च 22. तो अनदर 4 मंथ्स टू गो. Passengers will be able to use facial scans at the boarding pass at the 4 airports in the country. और जो 4 airport है, that is Varanasi, Pune, Kolkata, Vijayawada. First roll of the facial recognition. Airport authority has engaged NEC Corporation Private Limited for implementing this technology as a part of Digi Yatra policy, जिसका main मकसद है promote paperless air travel and a seamless journey from entering the airport till boarding the plane. Further to the world section, यहाँ पे nothing so special with respect to kids. Business section, एक Facebook की उस में यहाँ पर the thing that has been covered is Meta sets up measures to protect women online. So this is there into because of Facebook is widely spread and is widely used. I thought to cover it from the perspective of children. यहाँ पे कार्य actually what is implied here is that Meta, formerly Facebook, on Thursday announced initiative in India to ensure women's safety on the platform, including measures to combat the spread of non-consensual intimate images and the introduction of a women's safety hub in Indian regional languages. Meta announced the rollout of StopNC2.org, which is available globally to combat the spread of non-consensual intimate images. आगे बढ़ते हुए चाइना एडवाइजर्स टू मूव टू लोअर जीडीपी टोटल, मारुति ऑरी टू रेज प्राइसेस एज कॉस्ट सर्ज, अदानी मीट्स ममता ओवर द टॉक इन्वेस्टमेंट्स एज ममता बनर्जी.
chief minister of West Bengal is there in Maharashtra, so they was there. और इसी को लेकर के आर्टिकल में न्यूज था कि अब इन्वेस्टमेंट क्या महाराष्ट्र से शिफ्ट होकर के बंगाल की तरफ जाएगा. एलएनटी एंड रेन्यू साइंस ग्रीन हाइड्रोजन पैक्ट लार्सन टू ग्रो एलएनटी ओवर हियर. और रेन्यू पावर है एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है. दे हैव एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट टू टैप द इमर्जिंग ग्रीन हाइड्रोजन बिजनेस इन इंडिया. तो उसका यहाँ पे कवरेज है. और ग्रीन हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी अ की नाउ बिकॉज ऑफ द लेटेस्ट थर्स दैट इज प्रिंटेड टू रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज एंड राइज इन टू द टेम्परेचर ऑन ईयर टू ईयर बेसिस. 2070 का हमारा कार्बन न्यूट्रल का अभी कमिटमेंट भी है, तो उसको लेकर के दिस इज वन ऑफ द डेवलपमेंट दैट इज हैपेंड इन द बिजनेस सेक्शन. Star Health IPO sees 79% subscription. Odisha makes it to the quarterfinals. और ये जो quarterfinals है ये है National Senior Women's Football Championship का, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है. Moving on further to the sports news. With Will Kohli, India find itself into a selection muddle. Second test is about to begin. Kohli was not there into the Virat Kohli was not there into the first test, but he will be playing the second test. So again, किसको accommodate करना है? नहीं accommodate करना है वो एक selection considerations है. Clarity on India South Africa tour awaited. We should be able to play where we want and upbeat India versus resilient Germany. ये है junior men's cup hockey का news that has been covered over here. सिंधु क्वालिफाइज फॉर द नॉकआउट्स. और ये जिस नॉकआउट के बारे में बात हो रही है दैट इज टू टाइम दिस इज पीवी सिंधु टू टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट एंड सी हैज प्रोग्रेस टू द नॉकआउट स्टेज ऑफ बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल्स. सो दिस इज व्हाट इज कवर्ड इन टू दिस आर्टिकल. अंजू इज डब्ल्यूएई वुमेन ऑफ द ईयर. और ये जो है इज बीइंग टॉक्ड अबाउट एज अंजू बॉबी जॉर्ज हु हैज बीन बेस्टॉड द वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द वर्ल्ड एथलेटिक्स फॉर ग्रूमिंग टैलेंट इन द कंट्री एंड एडवोकेटिंग जेंडर इक्वालिटी. एंड उनका रिएक्शन आफ्टर बीइंग अवार्डेड इज कवर्ड एवरी ईयर. हैदराबाद गोल्स जमशेदपुर फॉर द स्पोर्ट्स न्यूज. मूविंग फर्दर ऑन टू द स्पोर्ट्स न्यूज वी डू हैव लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स. The last section, the text and context, इसमें एक अच्छा आर्टिकल आया हुआ है एंड दैट इज फॉर द मेकिंग ऑफ रिपब्लिक ऑफ बाबाडोस. बाबाडोस एक कंट्री हमारा यहाँ पे जस्ट एट द टॉप ऑफ द साउथ अफ्रीका एक आइलैंड कंट्री है. और यहाँ पे व्हाट हैज हैपेंड इज नाउ इट्स अ रिपब्लिक ऑफ बाबाडोस. तो दिस इज व्हाट आई हैव पिक्ड इनटू. How has Barbados become the newest republic? What does the political transformation mean? Is all discussed into this article. Ye Caribbean island nation jo hai has turned a page in history declaring itself a republic, a move that coincides with the 55th anniversary of independence from Britain. Unka jo independence hua tha 55 saal pehle, uske baad they have termed themselves as a republic. So a country of almost 3 lakh citizens ceases to be a constitutional monarchy. No constitutional monarchy will be there and will not pledge alliance to the queen. This is the first time since 1970s that a Caribbean state has become a republic. So almost 50 saal baad. So this is what the news is covered over here in this article. Ek dusra article hai. Tension rise over the Russian border buildup. Ye NATO correlated, NATO se related article hai. In detail that has been covered. Why और इसमें जो डिस्कस किया गया है why is Russia building up military along the borders of the Donbas region of eastern Ukraine or how has NATO reacted to it. Last section हमारा test and context का why history matters so much. Again a very good article into the today's edition. और ये काफी डिटेल्ड है विच कवर्स द सिग्निफिकेंस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री. बच्चों के लिए खास करके इम्पोर्टेंट है क्योंकि हिस्ट्री में सिर्फ डेट्स क्रोनोलॉजी ही नहीं है, दे आर लॉट मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो. इट्स इम्पोर्टेंस इन शेपिंग आर पॉलिटिकल लेथोस वो थोड़ा डिमिनिश्ड
is undiminished, but the subject has no place in competitive education culture. अभी जो उसका है, this is discussed in this article. History syllabus or textbook have been part in the heart of a deep political controversy in India. Or main reason इसका portrayal है in school textbook में arouses the controversy is that a publicly shared part in that a collective memory and identity on the impersonal children. Yesterday क्या हुआ था कि एक question आया था sociology के class 12 में जहां पे 2002 के दंगों की बात पूछी गई थी. एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था 2002 के जो गुजरात में दंगे हुए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन था. सो हिस्ट्री का इन ओवरऑल टेक्स्ट बुक में भी अभी हमने पढ़ा कि पलका रिबेलियन के बारे में एंड हाउ इट सोन द सीड्स टू सम एक्सटेंट दो नॉट कैन बी कंपेयर्ड टू 1857 रिवोल्यूशन उसको भी टेक्स्ट बुक में इंक्लूड करना चाहिए. तो इन सब कलियों को समझते हुए ध्यान में रखते हुए अगर हम इस आर्टिकल को पढ़े तो इट्स गोइंग टू बी क्वाइट इन्फॉर्मेटिव. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग देयर विद मी. बाय. टेक केयर.